गाइस, आज हम आगे नई वीडियो में तो आज बना है टेंगरा मछली और बैंगन से। तो देखिए, इधर सरसों है और साथ में इधर मिर्ची है, हरी मिर्च है, और इधर बैंगन है, और इधर टेंगरा मछली है जो कि साइज़ में भी बहुत बड़े है। और देखिए, इधर बैंगन को कुछ इस शेप से काटा गया है, और अभी इसको तेल में डाल के इसके ऊपर हल्दी और नमक डाल के फ्राई कर दिया जाएगा इसको। स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पहले नमक डाल दिया गया है, उसके बाद आधी चम्मच हल्दी। और इधर देखिए कुछ इस तरह ये फ्राई हो गया है। इधर अभी प्याज फ्राई कर दिया जाएगा कटे हुए। तो इधर प्याज को अच्छे से फ्राई करके उसके बाद इधर तो इधर देखिए मिर्ची का जो पेस्ट है उसको सरसों में मिला दिया गया है, और अभी इसको मिला के इसके बाद छोड़ दिया जाएगा इसमें। तो अभी इधर मिर्ची का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, साथ में टर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार मतलब सॉल्ट। और इधर देखिए अच्छे से इसको एकदम अच्छे से फ्राई किया गया है। तो देखिए अभी सरसों में थोड़ा सा पानी डाल के इसको डाल दिया गया है अच्छे से, और अभी इसको मिक्स कर दिया जाएगा कुछ इस तरह, थोड़ा पानी डाल के। और जितना ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल दिया जाएगा अभी। और इधर इसका ढक्कन लगा दिया जाएगा, और अभी इधर धनिया दिया जाए डाल दिया जाएगा इसको इसमें। कुछ इस तरह धनिया भी डाल दिया जाएगा धनिया इसको इसमें। इधर इसमें मछली डाल दिया गया है, तो मछली अच्छे से डाल के इसके बाद मिक्स कर दिया जाएगा इसको, ताकि इसके अंदर जो ग्रेवी है और साथ में जो बैंगन से जो ये ग्रेवी बनाया गया है वो सब इसके अंदर घुस जाए और खाने में काफ़ी अच्छा लगे। और बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।